हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टेक इन्फो इन हिंदी चैनल में। और मैं हूं अनीस। मैं आपसे आज बात करने वाला हूं सैमसंग गैलेक्सी J2 प्रो के बारे में। तो फ्रेंड्स, मेरे साथ बने रहिए और इस वीडियो को देखते रहिए। तो अगर स्पेसिफिकेशन की बात करें तो डिज़ाइन पहले हम जानते हैं। डिज़ाइन हम अगर देखें इस फोन का, तो डिज़ाइन बैक साइड में बहुत अच्छा डिज़ाइन किया गया है। मैट फिनिश दिया गया है, जो सैमसंग का लोगो है वहाँ पे मैट फिनिश दिया गया है। बाकी का जो है वो ग्लॉसी लुक है, मतलब मैट फिनिश है, बहुत अच्छा है। तो फ्रेंड्स, अगर हम देखें इसके कैमरे के साइड में बहुत अच्छा सा LED नोटिफिकेशन लाइट दिया गया है, जिसको आप मतलब बहुत सारी चीजों में यूज कर सकते हैं, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। तो ये सब चीजें दी गई है, बहुत अच्छा लुक दिया गया है, पहले से बेटर है। तो ये हो गया डिजाइन, आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं इस डिजाइन को। अब हम बात करते हैं इसके डिस्प्ले के बारे में। डिस्प्ले जो है इसका 5 इंच का डिस्प्ले है दोस्तों, जो सुपर एमोल डिस्प्ले है, जिसका रेजोल्यूशन आपको मिलेगा 720x1280 पिक्सल का, मतलब HD डिस्प्ले है, जिसका आपको PPI पिक्सल पर इंच होगा 294 का। अगर हम इसके इंटरनल पार्ट को देखें तो वहां पे आपको जो प्रोसेसर देखने को मिलेगा वो क्वाड कोर प्रोसेसर आपको देखने को मिल जाएगा 1.5 GHz का, जिसका स्पेक्ट्रम का प्रोसेसर है कॉर्टेक्स A7 का। अगर हम इसके रैम के बारे में बात करें तो रैम जो है 2 GB का रैम दिया गया है, और साथ साथ आपको 16 GB का इंटरनल मेमोरी मिलेगा, जिसको आप 128 GB तक बढ़ा सकते हैं माइक्रो SD कार्ड के साथ। और अगर हम GPU की बात करें तो GPU मालिका 400 का GPU आपको देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये हो गया इंटरनल पार्ट। अगर हम बात करें इसके कैमरे के बारे में, तो कैमरा आपको 8 MP बैक कैमरा मिल रहा है विद LED फ्लैश। फ्रंट कैमरा की बात करें तो वहां पे आपको 5 MP का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जा रहा है। अगर हम इसका बैटरी देखें तो बैटरी 2600 mAh का बैटरी दिया गया है, जो कि बैकअप अच्छा देने वाला है। अदर फीचर्स में अगर जाएं तो यहाँ पे आपको कैमरे में आपको एपरेचर जो है f/2.2 का मिलेगा, दोनों ही बैक में और फ्रंट में दोनों का आपको f/2.2 का मिलेगा। अगर हम बात करें इसके डिस्प्ले की, तो AMOLED आपको डिस्प्ले मिल रहा है। सबसे अच्छा फीचर्स के बारे में जो मैं आपको बताने वाला हूँ, वो आपको टर्बो स्पीड टेक्नोलॉजी मिल रहा है इसमें, इस फोन में, जो कि सैमसंग लॉन्च कर रहा है नए तरीके से J2 को। तो आपको इसमें टर्बो स्पीड टेक्नोलॉजी मिलेगा। अगर हम बात करें एस बाइक मोड, या फिर अगर हम बात करें जो आपको अल्ट्रा डेटा सेविंग मोड, ये सब तो पहले से था, पर ये नया चीज J2 में दिया गया है, J2 प्रो जो है। तो फ्रेंड्स, ये सब नया टेक्नोलॉजी है। और एक नया टेक्नोलॉजी जो दिया गया है आपको, कैमरे का जो साइड में है गोल, आपको एक LED फ्लैश लाइट दिया गया है जो फ्लैश करेगा, उसको स्मार्ट ग्लो बोला जा रहा है, सैमसंग बोल रही है। तो अगर आप मतलब सेल्फी लेते हैं बैक कैमरे से, तो वो आपको एक नोटिफिकेशन लाइट दे देगा कि आपका सेल्फी लेना हो चुका है। और भी चीजें हैं, जैसे कि आपका बैटरी लो हो चुका है तो उसमें नोटिफिकेशन लाइट आपको जल जाएगा, आप उस लाइट को चेंज भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका डिवाइस जो है वो बैटरी उसका लो हो चुका है, तो वहां पे नोटिफिकेशन लाइट रेड दिया हुआ है, आप उसको ग्रीन भी कर सकते हैं या फिर दूसरा कलर आप अपने मन से रख सकते हैं। तो ये सब टेक्नोलॉजी इसमें दिया गया है, बहुत सारे टेक्नोलॉजी का भरमार इसमें दिया गया है। तो इसका जो प्राइस आ रहा है फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं 9800 के लगभग आ रहा है। तो उस प्राइसिंग में आप खरीद सकते हैं, स्नैपडील में मिल भी रहा है, तो वहां से आप ले सकते हैं। फ्रेंड्स, मेरा ओपिनियन यही है कि सैमसंग ने जो सैमसंग का रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो टीम है, वो इस फोन को बहुत अच्छे से रेडी किया है। मतलब उसी रैम में आपको अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा, आपका जो एप्स है उसको किल कर देगा, मतलब आपका जो रैम है वो जितना हो सके अच्छे से आपको काम में लगाने को देगा। तो ऐसा टेक्नोलॉजी उन्होंने निकाला है, जो कि हमें शिकायत रहता था कि सैमसंग का फोन लेने से वो तो अच्छा फोन है लेकिन हैंग करेगा, यही इसमें सिर्फ कमी रहता था। वो कमी को रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो टीम है वो उसको दूर कर चुकी है और हमारे लिए J2 प्रो अच्छे से लाई है। तो इतना ही इस फोन के बारे में बोलना चाहूंगा, ये फोन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है एंड बहुत अच्छा है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें जरूर कमेंट करें, लाइक करें इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया, तो शेयर भी करें एंड सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फ्रेंड्स ये वीडियो देखने के लिए।